दोस्तों 70 और 80 के दशक के दिग्गज अभिनेता ओम शिवपुरी जी की रियल लाइफ स्टोरी तो काफी रोचक थी। बड़े पर्दे पर भले ही वो एक खतरनाक विलेन के रूप में जाने जाते थे। मलिक साहब, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। हम नहीं, तुम। लेकिन रियल लाइफ में वो किसी हीरो से कम नहीं थे। लेकिन दोस्तों उनका अंत बड़ा दुखद था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी डेथ के 7 साल बाद तक बड़े पर्दे पर उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। बता दें कि इन्होंने अपने करियर में 175 से भी ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। वैसे तो दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार थे जिन्हें आज भी उनकी फिल्मों के लिए फैंस उन्हें याद करते रहते हैं, लेकिन ओम शिवपुरी जी ने बॉलीवुड फिल्मों में एक विलेन के रूप में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी। जिस तरह तुम डॉन नहीं हो, उसी तरह मैं मलिक नहीं हूँ। ये सब मेरे आदमी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में मणि कौल की फिल्म आषाढ़ का एक दिन से की। इसके बाद इन्होंने 1972 में आई गुलजार साहब की फिल्म कोशिश में काम किया, और इसके बाद ओम शिवपुरी जी को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कोशिश के बाद तो इन्होंने फिल्मों की भार मार लगा दी। नमक हराम, आंधी, खुशबू, शोले, मौसम, बालिका वधू और पति पत्नी और वो जैसी उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थीं जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी थी। माफी मांगते वक्त तुम्हारा जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान होगा, उसे कभी मत भूलना। वही होगी तुम्हारी शक्ति। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, अपने करियर की शुरुआत जालंधर रेडियो स्टेशन में काम करके की थी, जहां सुधा शिवपुरी जो बाद में इनकी पत्नी बनी वो वहां पहले से ही काम कर रही थी। यहीं से दोनों के बीच प्यार हो गया। बाद में दोनों दिल्ली आ गए। दिल्ली में NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया, और साथ में ही दोनों ने वहाँ 1963 में ग्रेजुएट किया। ओम शिवपुरी जी और सुधा ने साल 1968 में शादी कर ली और फिर साथ में ही अभिनय करना शुरू कर दिया। दोनों ही अपनी कड़ी मेहनत से काफ़ी सफल साबित हुए और जल्द ही लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में भी सफल हुए। लेकिन दोस्तों साल 1990 में ओम शिवपुरी जी को अचानक हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं ओम शिवपुरी जी की डेथ के यानी 2015 में इनकी पत्नी सुधा शिवपुरी भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई। जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।